अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज CS4 से वन फाइनल राउंड प्रिपरेशन 2022, उसके हवाले से फ्रेश जो क्वीज हैं, पिछला क्वीज नंबर आपका हुआ है 2 है आई थिंक, और 5 मार्च उसको हमने क्या किया है कि फाइनल राउंड की प्रिपरेशन के लिए रख दिया है, और उसके देखें करेक्ट आंसर भी लगाए हैं। 350 MCQs हैं, आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नहीं से 20-15 MCQs इंशाल्लाह आ जाएंगी। इन दिस इंटरनल 88 पे जो होता है देर आर द टोटल ऑफ द पॉसिबल, ठीक है, वेक्टर्स। तो वेक्टर टेबल्स जो हैं हमारे पास वो आपका होता है 256 पे। MCQs आया हुआ है फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, नहीं सॉरी आपके क्वीज के अंदर। विच इज़ द फॉलोइंग्स IRQS यूज बाय पैरेलल पोर्ट, तो वो किस पे होता है आपका? IQR 7 पे होता है। IQR 7 इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से नीचे चले जाएं, पुश एंड पप ऑपरेटर्स ऑलवेज ऑपरेट ऑन किसके ऊपर चलते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था, काफ़ी लोगों ने बाइट्स लगाया था, लेकिन ये वर्ड के ऊपर जाके करते हैं। किसके ऊपर? वर्ड के ऊपर करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका ए है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें, यहाँ से एट द एंड इज यूज्ड इंफॉर्मेशंस, और क्या है? प्रोग्राम एबल्स। तो आप लोग इसके अंदर से खाली जगह पुर करेंगे, तो जब आप हैंडआउट्स के ऊपर सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा EOI। क्या मिलेगा? EOI इसका करेक्ट आंसर है। नीचे चले जाएं तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ से अगर आप मिस करते हैं तो ये क्या है? द एग्जीक्यूशंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस मूव, यानी कि एग्जीक्यूशन होती है इंस्ट्रक्शंस वर्ड ES जो आपका डबल डॉट 160 ऑफ साइज क्या है? 1230 है, विल बी पॉइंट्स है करेक्टर ऑन द स्क्रीन पे। तो क्या आएगा? पहले आएगा फर्स्ट एंड देन पे, फर्स्ट पे क्या आएगा आपका? कॉलम, और सेकंड पे आपका क्या आएगा? रॉ, ठीक है। डी आंसर हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है। इसी तरह से देखें, विच इज द फॉलोइंग्स इंट 21 सर्विस यूज टू रीड करेक्टर्स फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट जब हम करेक्टर्स यूज करते हैं इंट के अंदर, इंट 31 के अंदर, तो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट 1 रहती है, तो लिहाजा इसका आंसर क्या है हमारे पास? 1। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें, वो कहता है ए 32 बिट्स एड्रेस जो है रजिस्टर्ड है आपके पास, एक्सेस करता है ऑफ मेमोरी कितनी करता है? 4 MB करता है, 4 GB करता है, कितनी करता है? 4 GB जो है आपकी MB जो है वो क्या करता है? एक्सेस करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें, तो यहाँ से अगर आप देखें यहाँ पे ये आपका क्विज आया हुआ है, द डैश एंड द DPL हैव सम मीनिंग्स एज ए डाटा डिस्क्रिप्टर या डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो आप लोग इसके अंदर क्या पुट करेंगे? पी करेंगे, पी एंड डी पी एल होगा हमारे पास, ठीक है, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखें, GDA स्टूडेंट्स, विच इज द फॉलोइंग्स रिक्वेस्ट IQ यूज टू फ्लॉपी। अब देखें वहाँ पे एक हमने MCQs पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था IRQ7 उसका आंसर था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है? 6 आंसर है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यूज़ क्या कर रहा है? फ्लॉपी डिस्क आपके पास यूज़ हो रही है। कौन सी डिस्क यूज़ हो रही है? फ्लॉपी डिस्क। वहाँ पे हमारे पास MCQs में पीछे से दिखा देता हूँ, वहाँ पे हमने और MCQs पढ़ा था, ये नहीं समझना कि वही MCQs है तो वही हमने आंसर लगाना है। यहाँ पे हमने जो पढ़ा था पैरेलल पोर्ट पढ़ा था, ठीक है, IQRS का। तो यहाँ पे IQ हमारे पास क्या था? IRQ कितना था? 7। वहाँ पे
आपका जो है IQR 6 है, लेकिन वहाँ फ्लॉपी डिस्क यूज़ हो रही है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। कौन सी डिस्क यूज़ हो रही है? फ्लॉपी डिस्क यूज़ हो रही है। ये देखें, नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें। यहाँ पे हम देखें तो वो क्या कहता है, आपका पिन के बारे में जिक्र कर रहा है। यहाँ पे वो कहता है 9 पिन DP9 कनेक्टर, जो कनेक्टर है विच इज़ द साइंस DRDS, तो क्या होगा? 2 होगा, कितने? 2 नंबर पे मेरा ख्याल इसका ग्रुप पड़ा हुआ है। ये आपका क्विज मैंने आगे भी करवाया था, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास? 2 आंसर, करेक्ट आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे, D888 प्रोसेसर डिवाइड्स किन के ऊपर होता है, कितनी क्लासेस होती हैं? इनकी 2 क्लासेस होती हैं। कितनी क्लासेस होती हैं? 2 क्लासेस होती हैं, ये भी जेन में रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ जाएं, तो यहाँ से आप लोगों का इन प्रोग्राम एबल्स जो आप लोगों का क्या है, कंट्रोलर है वो कौन सा है, PIC है, और विच इज़ द फॉलोइंग्स पोर्ट्स एंड यूज। अब अच्छा, ये किस तरह से ये पोर्ट हो रहा है, किस तरह से यूज़ हो रहा है, और किस तरह से इसकी सेलेक्टिंग हो रही है, ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। तो फिर हमारे पास इसको जो है कितने नंबर पे हो रहा है, तो ये 21 जो इसका आंसर करेक्ट आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट चले जाएँ, तो वहाँ से अगर आप देखें INT30 एंड BIOS बॉक्स डिस्क सर्विस, तो इसको आप अगर देखे हैं रजिस्टर के ऊपर रिटर्न करता है, कितने एरर फ्लैग करता है, तो वो कौन सा फ्लैग है, तो वो हमारे पास CF फ्लैग है। कौन सा फ्लैग? CF फ्लैग है। हाँ, डाउट में ना रहिएगा, ALB कुछ लगा देते हैं, DLB लगा लेते हैं, लेकिन CF इसका फ्लैग है। ये आप लोगों ने INT30 याद रखना है। इसी तरह से देखें तो वो कह रहा है PCB स्टैंड फॉर क्या है, तो अगर इसको हम देखें तो इसका स्टैंड फॉर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं और ऐसे भी जो है देख सकते हैं, क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जी डियर स्टूडेंट्स, इसका हमने सर्च करके भी देखा और इसका आंसर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें, यहाँ पे विच इज़ द फॉलोइंग्स BIOS जो आप लोगों का है, किसके ऊपर कीवर्ड्स हमारा है, तो वो INT0 MULTIPLY 16 पे हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। BIOS किसके ऊपर करता है, ठीक है, प्रोवाइड, तो कीवर्ड्स वो हमारे पास हैं INT0 MULTIPLY 16। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें, तो बॉक्स डॉट बॉक्स आप लोगों ने सुना होगा, इसके अंदर बॉक्स हैज ए सिंगल, ठीक है, सिंगल क्या है आप लोगों का, सिंगल एंट्री पॉइंट्स एक्सेस ऑल द फॉल ऑल इट्स सर्विस थॉट्स, तो कितने पे हैं? INT 31 पे, कितना? INT 21 है। कोई मिस्टेक हो जाए तो देख लीजिएगा, हम मैं थोड़ा कंप्यूटर से दूर होता हूँ आइज की वजह से। विच इज़ द फॉलोइंग्स, ये क्विज हम IQR कनेक्ट, ये हम आई थिंक सीरियल पोर्ट कॉम, तो किसके ऊपर होता है ये आप पे ना क्विज आपको थोड़ा सा धोखा देंगी, आप लोगों ने देख लेना है। धोखा किस तरह से देंगे, आप फाइनल टर्म के अंदर जाएंगे तो ये इस तरह से आएगा, आपने जवाब एक ही लगा देना है, लेकिन इसके अंदर क्या है, सीरियल पोर्ट कॉम 1 पे, तो हमारे पास क्या होगा, फिर 4 होगा। अगर हमारे पास अगर इधर होता डिस्क तो फिर कितना होता, फिर 6 होता। अगर हमारे पास यहाँ पे चेंज होता तो वहाँ पे फिर हमारे पास कितना होता, 7 होता। तो लिहाजा इसलिए हमारे पास इस टाइम क्या है, सीरियल पार्ट है, किसका बोला, डॉट कॉम का, तो बट हमने सॉरी कम का, तो इसलिए हमें ये यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है जी। अब आगे समझ नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें, तो वहाँ पे हम देखते हैं हाँ, विच इज़ द फॉलोइंग्स इट सोर्स रजिस्टर आउटपुट, यानी कि आउटर इंस्ट्रक्शंस किसके ऊपर होगी, AL और AX पे होगी, AL एंड AX के ऊपर होगी। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें, देयर इज आउट, ठीक है, ऑटो सॉरी इंक्रीज क्या बोला, मोड व्हेन द डैश इज, तो किसके ऊपर होगी, DF एंड सेट के ऊपर, DF सेट के ऊपर होगी, ये आप लोगों ने भी याद रखना है।
इसी तरह से मैंने आप लोगों को ये क्वीज आगे भी प्रिपरेशन में दिया है, ठीक है, टेबल वाला है, तो 256 इसका एमसीक्यूज का आंसर है। विच इज़ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इज यूज टू रिटर्न्स, ठीक है, तो जब आप लोग रिटर्न्स करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो बट वह फिर क्या होगा, IRET होगा, ठीक है, IRET। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें, यहाँ से विच इज़ द फॉलोइंग्स आर द डाटा यूज टू द टेक डाटा प्रोसेसर टू द डिवाइस कनेक्टेड थॉट्स पैरेलल पोर्ट, तो फिर हम क्या करेंगे, पैरेलल पोर्ट के ऊपर जब कनेक्टेड होगा तो फिर हम इसके अंदर यूज़ करेंगे 2 to 9, यानी कि 2 से लेके कितना 9 तक, ये भी बात याद रखनी है जी। इसकी तरह नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं विच इज़ द फॉलोइंग्स, ये सारे क्विज जो हैं आप लोग प्रिपरेशन में कीजिएगा, और मेरे तो वैसे ही सर में दर्द हो रही है सुबह के ये काम कर करके, तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा जितने भी MCQs हैं, ये फाइल वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन में ज़रूर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट MCQs हैं और पेपर में बार बार आने वाले MCQs हैं, ठीक है, तो ये जो है पेपर में आप ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, अब आपसे लेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।